दिन बहुत वंडरफुल था। अरे मजा तो मुझे भी बहुत आया। ये चटर्जी सर ने चिंटू पिंटू की क्लास लगाई। अरे मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। विशु, किसी का बिस्तर मजाक उड़ाना बुरी बात होती है। अब आएगा मजा। बच्चों, तुम सबका जूस रखा है, पी लो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, पर पहले हाथ मुंह धो लेना। चलो बॉस, मैं तुमसे फ्रेश होके मिलती हूँ। ठीक है। शी, सीटी, रुक जा विशु। छोटी सी छोटी चीज में भी जान होती है, उसके में कदर करनी चाहिए। ओए, ये छोटी चीज के लिए मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, समझा ना। वैसे भी इसकी क्या वैल्यू होगी? हिसाब से तो इसके दिमाग की भी कोई वैल्यू नहीं। अब दूध पीते हैं, ठीक है? 1, 2, 3। अभी मेरे पीछे वो फोटो फ्रेम था ना, वो कहाँ गया? हाँ बॉस, टेबल कहाँ गई, दूध कहाँ गया? दोस्तों, चारों तरफ ध्यान से देखो। बॉस, यहाँ सब इतना बड़ा बड़ा क्यों है? ओए, ये कितनी अजीब सी जगह है। बचो! दोस्तों, हम लोग हवेली में ही है और ये हमारा ही कमरा है और हम लोग तो छोटे हो गए हैं। दादी, वो देखो, दादी, हम उनसे हेल्प मांगते हैं। दादी, दादी, हम इधर हैं, हमारी आवाज सुनिए, हम यहाँ हैं। अब हमें सुन क्यों नहीं पा रही है दादी? अरे, बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। कहीं मैं ही तो नहीं भूल रही कि बच्चे स्कूल से आए नहीं। तो फिर ये दूध किसने पिया? ये हो क्या रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमारी आवाज दादी तक नहीं पहुंच पा रही है। पर अब हम करेंगे क्या? शैतान बच्चे, बड़ा उछलते थे ना तुम लोग, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मतलब किस गुरुकाल की चाल है? हाँ हाँ, ये गुरुकाल की चाल। हमेशा की तरह इस बार भी हम हमारी शक्तियां इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर देंगे। अच्छा, और ये 5 चीजों की रफ्तार। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं। चिंता तक लो, इतने 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 छोटे हो, तुम्हारी कोई भी शक्ति असर नहीं करेगी। अब तुम तीनों चूहों को गुरुकाल के दिए हुए जादुई टिप्पे में कैद कर दूंगी। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? ये दादी भी ना यही मौका है। चल कूद जाते। नहीं नहीं विशु, मेरे पीछे जल्दी आओ। ये कहाँ चले गए? पहले बच्चों का कमरा साफ कर लो। जी महाराज। बच्चों ने क्या हालत कर दी है कमरों की। सुनो, इन कपड़ों को तय करके रख दो। पापा, पापा मिधन है, पापा। Nagin! Nagin! Nagin!
एक छोटा सा काम नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ उन बच्चों को इस जादू डिब्बे में डालने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर पाई। अभी तूने मुझे रोक लिया, वरना उस नाकिन के लिए तो मैं अकेला ही काफी था। अच्छा अभी हम अगली बार ना विशु को अकेला ही छोड़ के आएंगे। नहीं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पागल हो गई है क्या? वो गुरकल उस डब्बे में क्यों डालना चाहता था? ये डिब्बा एक खतरनाक हथियार जो हम जैसे काले मायावियों के लिए एक अस्त्र है। आओ दिखाता हूं। जैसे चूहे के अंदर हीरा है उसी तरह अवि के शरीर में मायावी चाबी छिपी है। अब देखो वापस जाओ, हर हाल में उन बच्चों को इस डब्बे में कैद करो। कोई देख नहीं पाए। अगर हवेली में किसी को पता चला कि बच्चे छोटे हो गए तो उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मेरी चाल नाकामयाब हो जाएगी। जाओ। जी गुरु। दोस्तों हम लोग इतने छोटे हो गए कि हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमें पापा या दादी को बताने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मैं बता दो, हमको ना एक लेटर लिखना चाहिए। स्टूपिड, हम इतने छोटे कि हमारे लिए एक पेन भी इस हालत में एक बिजली का खंभा है। अभी तो लॉजिक यूज कर बुद्धू। दोस्तों वो देखो लैपटॉप। सुपर आइडिया अभी। तो फिर चलो। ओए, तुम लोगों को इस वक्त भी वीडियो गेम खेलने की सोच रही है? नहीं विशु, मैं बटन्स पर जम कर करके पापा के लिए एक मैसेज टाइप करूंगा। ओए, मैं भी बस यही आइडिया देने वाला था। बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पापा, पापा लैपटॉप में मैसेज देखिए। अरे ये लैपटॉप में क्या लिखा है? लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई।
शैतान बच्चों, अब तुम लोग गए। कहाँ भागोगे? हाँ अवि, माया, बिच्छू, कहाँ तुम लोग? भागो ना उसको। हाँ चिंटू, पता है जब हमें पनिशमेंट मिली थी विशु बहुत हंस रहा था हमारे ऊपर। आज तो इन्हें सबक सिखा कर ही जाएंगे। ये मोटा हमें सबक सिखाएगा। इसकी तो मैं अभी हम जिस साल में उस साल में ना तो हमें कोई देख सकते और ना तो कोई सुन सकते। अभी सबसे जरूरी ये है कि हमें पापा या दादी तक पहुंचना होगा। अरे दादी, स्केटबोर्ड दिखाने आए थे। कहाँ है वो? वो आया तो था लेकिन दादी आप भूल गई होंगी, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। दादी ये आप हमें दे दीजिए, हम अभी को दे देंगे। मेरी सारे सैंडविच खा गया। माँ, आपने बच्चों को कहीं देखा क्या? हाँ ना, देखा, अभी तो बाहर थे। दोनों कितने मोटे हो गए। माँ, चिंटू और पिंटू की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी विश्व और माया की बात कर रहा हूँ। क्या बच्चे कहीं मिल नहीं रहे? कहाँ गए वो? रुक्मिणी, तुम भी ना, क्योंकि दोस्त आए हैं, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे। तुम बेकार में टेंशन लेना बंद कर दो। चिंटू 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 चिंटू, एक बात बता चिंटू, ये लोग तो पूरी हवेली में भी नहीं मिले, अब क्या करना है? कुछ भी हो जाए लेकिन आज इन्हें सबक सिखाए बिना वापस नहीं जाएंगे। ओए, पर मुझे नॉर्मल साइज का हो जाने दे, इस सबक तो मैं ही नहीं सिखाऊंगा। पर बॉस, अब हम इनसे पीछा कैसे छुड़ा? आइडिया, दोस्तों वो देखो, चलो। माया, मैं और विशु इसे पकड़ते और तू निशाना लगा, ठीक है? ठीक है बॉस। अच्छा किसने गिरा दिया यहां? आज ही मैं बच्चों के पसंद का खाना बना रही हूं और पता नहीं ये सब कहाँ गायब हो गए। अरे बहू, तुम बच्चों की फिक्र मत करो, लोग आ जाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, ठीक है? डोसा के लिए मैं चावल पीस देती हूँ। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बच्चों को ढूंढती हूँ। हाँ, जा जा।
चंदू जरा ब्लेंडर देखो ना कहा जी, जी। दोस्तों इससे पहले कि नागिन हमें उस डब्बे में डाले हमें किसी भी हाल में पापा या दादी से मदद मांगनी होगी। क्या चंदू थोड़ा देख के तो छिका करो। लो जाओ दादी, हमारी आवाज नहीं सुनते थे। हमें माया को बचाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। दादी नहीं! माया इसे पकड़। हाँ कीट मिशु कीट ये क्या? नूडल्स यही रह गया। चंदू चंदू यहाँ आओ। आहिस्ते से इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? वहां डाइनिंग टेबल पे रख दो। बॉस अगर दादी और अंकल तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं सकती तो हम करेंगे क्या? तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा कि हम जादुई कमरे में जाकर ज्ञान पांडे से जानकारी लें। अब हम जादुई रूम तक पहुंचेंगे कैसे? सभी नीचे बिना हम हवा से जाएंगे। वो देखो चलो दोस्तों हम इस पेपर प्लेन पर उड़कर जाएंगे। तुम दोनों यही रहो, मैं बटन दबाता हूँ। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा इससे पहले कि नागिन हम तक पहुंचे। ठीक है? माँ। हाँ बेटा। मैंने पूरी हवेली ढूंढ ली, बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। बच्चे नहीं मिल रहे? आदित्य ये बच्चे हैं कहाँ? मैंने सब जगह ढूंढ लिया। माँ खाना खाना बन गया? तुम लोग परोसो, तब तक बच्चे आ जाएंगे। लेकिन खाना पूरी तरह से कहाँ बना है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। हाँ चलो तो मामंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ जी आपने फिर से गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे रोक देती हूँ। मामंत्रम बच्चों कहाँ हो तुम सब? कहीं किसी खतरे में तो नहीं? ज्ञान पांडे जी अब आपको हमारी मुसीबत बता है, प्लीज अब आप सब जानते तो आप ये बात जाके पापा को बता दीजिए। मैं मजबूर हूँ बच्चों, जादुई कमरे से बाहर नहीं जा सकता। महाराज अगर यहाँ स्वयं आए तभी मैं उन्हें कुछ बता पाऊंगा। पर पांडे जी हम हमारे नॉर्मल साइज में कैसे आ सकते हैं? ये तो अब करने का एक ही तरीका है। वो तरीका आप बताएंगे सर? तुम सबको सुनहरी धरती जाकर सुनहरे पवित्र आईने में अपनी परछाई देखनी होगी। क्या ऐसा करने से हम हमारे नॉर्मल साइज में आ जाएंगे? अवश्य। बस ये काम तो हम चुटकी में कर देंगे। नहीं
ये सोचने की भूल मत करना, गुरुकाल तुम्हारे इस हाल में जब तुम सब शक्तिहीन हो तुम पर हमला जरूर करेगा, लेकिन उससे बचने का एक ही रास्ता है। अगर तुमने सुनहरी धरती में पवित्र सीमा रेखा पार कर ली तो ना गुरुकाल ना ही उसका कोई जादू तुम तक पहुँच पाएगा। पर हम इतने छोटे रहेंगे तो गुरुकाल के सामने कैसे करेंगे? तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें तभी वापस मिलेंगी जब सुनहरे पवित्र आईने में तुम अपनी परछाई देखकर वापस बड़े हो जाओगे। पर हम इतने छोटे कि जादुई लोग जाने के लिए अलमारी भी नहीं खोल सकते। उसका उपाय है बच्चों, तुम चाहे छोटे या शक्तिहीन हो पर तुम हमेशा रुद्र के रक्षक ही रहोगे। अलमारी तुम्हारा स्पर्श पहचानेगी और छूते ही खुल जाएगी। चलो गुरुकाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है कि आपकी चाल मेरे कारण विफल हुई लेकिन आप फिर भी हंस रहे हैं। हाँ, नाम है मेरा गुरु का, कभी खाली ना जाए मेरी चाह। ये बच्चे जानते नहीं है ये खुद मौत के मुंह में कदम रख रहे हैं। कैसे? बिना शक्तियों के वो मेरे सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। कर दूंगा उन सबको इस जादुई डिब्बे में कैद, फिर मैं विचारूंगा।